हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड, आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ शिवपुरी के किले का म्यूजियम। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो भाई आज उसी को ही हम देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना फ्रेंड, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब उसको जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आप कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा शिवपुरी के किले का म्यूजियम, जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हो सामने की तरफ है म्यूजियम, यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। पहले के ज़माने में ऐसे ही जो है शादी वगैरह हुआ करती थी, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आके भाई मुझे पूरा लगा था कि पूरा ही मतलब मैं गांव में आ चुका हूँ। एंड ये जो है मूर्ति जो है, ये काफ़ी ओरिजिनल भी लग रही हैं। देख सकते हो यहाँ पे, ये हैं जो कि चक्की पीस रही हैं और आटा निकल रहा है यहाँ से, मतलब जेल में तो नहीं निकल रहा बट चक्की है ये। तो भाई साहब, यहाँ पर आके आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप कभी आओ तो ये बात भाई ज़रूर घूमना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं घूमा तो भाई कुछ नहीं घूमा। आप देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह की जो चीज़ें रखी हुई हैं, उपकरण रखे हुए हैं एंड कुछ हथियार भी रखे हुए हैं। और मैंने भी यहाँ पे भाई एक एक चीज़ देखी। फ्रेंड, आप भी देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे। अगर आप आए तो इसको भाई ज़रूर देखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे नदी है, जो कि ये भाई साहब हैं जो कि मछली को पकड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई, ये हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग, और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी आए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और आपको है ना, मतलब बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग आएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे चुड़िया वगैरह और जो सिंगार वगैरह के सामान है वो सभी रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये पहनावा है जो कि शिवपुर का है। राजस्थान में भी भाई कुछ ऐसे ही पहनते हैं, तो आप देख सकते हो शिवपुर में का जो पहनावा है वो भी ऐसा है। और आप देख सकते हो राजस्थान का और शिवपुर का जो पहनावा है वो मतलब मिलता जुलता है, आपकी देखना कभी। और आप देख सकते हो ये सामने की तरफ रखे हुए हैं कुछ औजार, और यहाँ पर भी वही है, वही चीज़ें। यहाँ पे कुछ सोने की भी हैं, मतलब रियल भी हैं, और कुछ चांदी वगैरह की है और स्टील की हैं, और कुछ तांबे की हैं। देख सकते हो इस हाथ में लगी हुए हैं, ये हाथ में पहने हुए हैं, और ये यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। भाई काफ़ी अच्छा लगेगा भाई यहाँ पे आके, अगर आप आ चुके हो तो। अगर आप, मुझे पता नहीं कब आओगे बट आओ तो भाई इसको ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे आके। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे भाई आओ तो इसको ज़रूर देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, दिल से बहुत अच्छा लगेगा कि आप, मतलब आपको लगेगा कि हाँ हम गांव में आ चुके हैं भाई, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो सामने की तरफ, ये भी मैंने आपको पहले से दिखा दिया। यहाँ पे देखिए, ये बारात निकल रही थी, और ये भी भाई, ये तो भाई अभी बंद हुए हैं ये जो घोड़े हैं, तो इनमें जो एक आदमी खड़ा रहता है वो नाचता है। तो भाई ये तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है आपको, अभी भी देखने को मिले होंगे, अभी कुछ साल पहले ही ये बंद हुआ है शायद, या नहीं हुआ आपके पास से, आप देखने को मिलेगा या नहीं मिला। भाई मैंने तो ये बहुत देखा है ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे मतलब कुछ भगवान है, जो कि यहाँ पे पहले गांव में ऐसा ही हुआ करते थे। और मैं भी जब गांव में जाता हूँ ना, तो भाई ऐसा ही देखने को मिलता है कुछ। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ छान बनी रहती है, जिसके ऊपर भी भाई ऐसे आदमी लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है भाई गाँव में आके, और यहाँ पर आपको भाई बिल्कुल पूरे गाँव की फीलिंग आने वाली है, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड यहाँ पर आके। आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक हैं, ये भी अपना काम कर रही हैं। तो भाई सभी लोग, मतलब जितना भी जो लोग गांव में काम करते हैं, तो वही सभी लोग यहीं पे काम करते हैं, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि जैसा सभी लोग हम गांव में आ चुके हैं, और सभी लोग भाई एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड यहाँ पे आके। और देख सकते हो यहाँ पे, मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ उपकरण भी हैं और कुछ औजार भी हैं, तो औजार भी आप देख सकते हो यहाँ पे रखी हुई हैं। और कुछ डिब्बों में कुछ बंद है, ये मैंने सही से नोटिस नहीं किया था ये क्या है, तो अभी मुझे पता नहीं उसमें क्या है। देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड वो भी रखे हुए हैं, हल चलाने के लिए, खेती करने के लिए, खेती के सामान भी रखे हुए हैं, और हथियार भी रखे हुए हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, जितनी भी चीज़ें गांव में होती हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, उपकरण तो यहाँ पर भी आप रखे हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है मतलब फावड़ा वगैरह यहाँ पर रखा हुआ था, और आप देख सकते हो कुल्हाई जिसको हम बोलते हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई थी। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इसका माहौल, मतलब अभी शिवपुर में भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर जब आप म्यूजियम देखोगे, तो भाई उसमें तो भाई काफ़ी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें रहती हैं, उसको देखने के बाद तो भाई काफ़ी मज़े आते ही हैं। तो भाई जब इतनी छोटी सी चीज़ में आपको इतना मज़ा आ सकता है, तो भाई आप बाहर जाओगे तो बाहर कितना आपको मज़ा आएगा। देखिए फ्रेंड, ये सामने रखा हुआ एक उपकरण, जो कि देसी दारू बनाने का है शायद। आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी सारे चित्र लगे हुए हैं, जो कि पहले ज़माने में जो चीज़ होता हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको देखने मिलेंगी जब आप बाहर जाओगे ना। तो वो भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आपके लिए और मेरे लिए भी। भाई मैं तो यहाँ पे भाई पहली बार आया हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पे चूल्हे रखे हुए हैं, और ये कुछ घड़े वगैरह रखे हुए हैं,
और जैसा कि पहले भी तुलसी एक छोटे से गमले में, मतलब एक ईंट का या फिर मिट्टी का जो बनाते थे उसमें जो तुलसी वगैरह उगाई जाती थी, वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली मुझे, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और भाई जो एक्सपीरियंस मैंने लिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको भी कुछ हद तक मतलब अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर। और भाई कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पे, आके आप भी देखना। तो बस इतने ही चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ रखी हुई हैं, और मतलब कुछ मैं समझ नहीं पाया ये कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है। तो भाई मैं देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मुझे ब्लॉग मतलब ध्यान नहीं रहा कि मुझे आपको ब्लॉग में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है ये है क्या है नहीं। तो भाई मुझे मतलब ज़्यादा कुछ दिखा नहीं इसमें, मतलब मैं समझ नहीं पाया भाई दिखा तो मुझे बहुत। तो यहाँ पे सील वगैरह भी रखी हुई हैं कुछ, जो कि इस म्यूजियम को मिली हुई हैं। तो आप देख सकते हो कुछ मिट्टी के घड़े हैं, कुछ तांबे के घड़े हैं, एंड कुछ पीतल के भी घड़े हैं यहाँ पे, चांदी वगैरह के सब चीज़ के यहाँ पे घड़े भी आपको मिलेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी हैं, इतनी ही चीज़ मिली थी मुझे यहाँ पे। तो बस यही था फ्रेंड यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। तो भाई जितना भी है उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये भाई लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये नदी है यहाँ पे, ये जो मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ने के बाद उसको जो साफ कर रहे हैं, और ये भाई जो है मछली के लिए कांटा डाल रहा था नीचे, तो भाई इसको मैंने देखते हुए पकड़ लिया। आई एम सॉरी बाबू। आप देख सकते हो ये सामने हैं जो कि हुक्का लगा रहे हैं भाई साहब, और ताप रहे हैं साथ में, मतलब रियल में आग तो नहीं जल रही है, मतलब ऐसा ही जो लोग थे ऐसा ही करते थे। आपने भी देखा होगा अपने गांव में या फिर अपने मामा के यहाँ पे, भाई मेरे भी मामा हैं, मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये शादी भी आपने देख ली है, पहले के ज़माने की शादी कैसी हुआ करती थी, और अब के ज़माने में जो शादी होती है उनको अभी आप देख लो भाई, नेक्स्ट लेवल है वो, तो भाई सभी आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो जो बाहर था किला, जो मैंने आपको दिखा दिया है, नहीं देखा होगा तो भाई लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और दो वीडियो मैंने आपको बना दी थी ऑलरेडी, तो उसको भी आप देख लेना। और भाई यहाँ पे जो भी चीज़ थी मैंने आपको दिखा दी, अब भाई हम जाएंगे फाइनली हमारे घर की तरफ। अब घर जाने के बाद आपसे मिलते हैं, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो श्योपुर की जो रोड है यहाँ पर, रास्ता है आने का, जो श्योपुर शहर है वो कैसा है, थोड़ा बहुत क्लिप में आपको दिखाऊँगा, तो आप देखो इसको फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड आपको फ्रेंड बताया, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए। एंड आगे भी हम मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय, टाटा सी यू एंड।